इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ द जी ऑफ एक्स प्लस सी देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? सर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, एक्चुअली जी ऑफ यूज योर अपर लिमिट यू विल गेट जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, तो सी सी गॉट कैंसल्ड, तो आपको जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए मिलेगा। तो इसमें कॉन्स्टेंट का रोल नहीं रहता है, जो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट का रोल नहीं रहता है, तो यू कैन इग्नोर फॉर द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। विल गेट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। लिटिल बिट डिफरेंट इज देयर। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ये आपका y is equal to f of x a to b, right? So integration of a to b का मतलब होगा ये area dx रहेगा तो बाउंडेड लाइन आपका x एक्सिस होगा, dy होगा तो आपका बाउंडेड लाइन होगा y एक्सिस। ओके, हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसका बाउंडेड लाइन। अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, सपोज दिस वैल्यू, ये एरिया का वैल्यू आपका 8, दिस वैल्यू इज द 12 एंड दिस वन 10, लेट अस टेक। ठीक है, आप एरिया निकालोगे तो कितना होगा? एक कर्व का एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एरिया होगा 8 प्लस 12 प्लस 10, राइट? बट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा? इफ योर कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इफ योर कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, आपका इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी 8 माइनस 12 प्लस 10। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया में आपका क्या होगा? तीनों प्लस हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितना पोर्शन आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा दैट इज दैट वैल्यू रिमेन पॉजिटिव, जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा दैट वैल्यू रिमेन नेगेटिव। समझाइए, your properties is more important. Integration of a to b f of x dx,
सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड मैं करेक्ट ये फंक्शन ऑफ एक्स ये फंक्शन ऑफ वाई ये फंक्शन ऑफ जेड यस और नो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई क्या होगा जी ऑफ वाई प्लस सी लैम्डा जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड क्या होगा जी जेड प्लस आप इसमें लिमिट ए टू बी यूज करोगे तीनों का आंसर क्या होगा ये यूज करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए तो ये तो फाइनली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाता है ना आप एक्स की जगह ए एंड बी डाल रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाता है यहाँ पे भी हियर यू विल गेट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हियर आल्सो यू विल गेट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए तो इसका मतलब फंक्शन फ्रॉम एक वेरिएबल टू अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे कि हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सपोज क्वेश्चन वन टू लेट अस टेक 10 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स लेट अस टेक तो इंडेफिनेट में हम क्या कर रहे थे इसमें क्या करते थे जीरो टू वन कर देता हूं हम सब्स्टिट्यूट करते थे ठीक है ना लेट एक्स एज टेन थीटा तो फिर इसको हम लिखते थे ये हो जाएगा sec theta dx होगा sec square theta d theta when x equal to 0 theta क्या होगा 0 हम indefinite में क्या करते थे ऐसे कर देते थे suppose limit नहीं होगा हा? ऐसे करते थे फिर integration निकाल के फिर वापस x में लाते थे कोई करते थे ना आंसर को एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा नहीं लिख पाते थे आंसर यू हैव टू राइट इन द टर्म ऑफ एक्स बट इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार एक्स थीटा में कन्वर्ट हो गया ना फिर थीटा के हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे हम फिर वापस एक्स को नहीं आएंगे हम इसका लिमिट सब कुछ चेंज करेंगे लिमिट भी चेंज कर देंगे तो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो थीटा क्या होगा ये फंक्शन ऑफ एक्स था ये लिमिट जो था एक्स का लिमिट था अब लिमिट किसका रखेंगे थीटा का रखेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो थीटा क्या होगा जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू वन थीटा क्या होगा पाई बाय फोर तो अब लिमिट चेंज होगा जीरो टू पाई बाय फोर सेक क्यूब थीटा डी थीटा अब इसका आंसर जो रहेगा ना वो थीटा में रहेगा बट लिमिट हम यूज करेंगे तो क्या हुआ एक फॉर्मेट टू दूसरा फॉर्मेट आ गया बट हम वापस नहीं जाएंगे फिर वो इसमें थीटा के हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे क्योंकि फाइनली हम 0 एंड पाई बाय 4 यूज करने वाले हम तो थीटा को ऐसे नहीं रखेंगे ना तो आंसर रिमेन सेम इंडेफिनेट में क्या करना पड़ता है वापस जाना पड़ता है फिर एक्स टर्म में लिखना पड़ता है इसमें ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म आप कन्वर्ट कर दो हो गया आप उसी हिसाब से प्रोसीड कर लो समझाइए
तो इंटीग्रेशन आप एफ ऑफ एक्स डीएक्स की जगह एफ ऑफ वाई डीवाई लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडेफिनेट में फर्क पड़ता है क्योंकि आपका आंसर एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब आपका आंसर एक्स में होना चाहिए, वाई में नहीं होना चाहिए। इसमें वाई में होगा कि जेड में लिखोगे, बट आप जब लिमिट को यूज कर दोगे सबका आंसर सेम हो जाएगा। समझाइए, तो आप कोई भी फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ इफ यू इंटरचेंज योर लिमिट ए टू बी, बी टू ए करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दिस क्लियर, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए कमा बी एंड सी बिलोंग्स टू ए टू बी लिख सकते हो, और ए लेस देन सी लेस देन बी, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी प्लस सी टू बी, am I correct? Yes. ठीक है ना, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने दिया, सपोज ये मैंने लिखा सी वन, ये सी टू, ये तो ए टू बी का इंटीग्रेशन यू कैन राइट ए टू सी वन प्लस सी वन टू सी टू प्लस सी टू टू बी, चलेगा ना? अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, मतलब एरिया तो निकाल रहे हो ना, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है एरिया, एरिया एंड यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव। जरूर नहीं कि आप ये मतलब रूट पर ही ये करोगे, ऐसा भी जरूर नहीं, आप सी वन इधर भी रख सकते हो, ये सी, तो ए टू सी का एरिया प्लस सी टू बी का एरिया सेम आज ए टू बी तक, समझा? कितना भी आप इंटरमीडिएट पार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ए टू बी इफ ए लेस देन सी वन लेस देन सी टू लेस देन सी थ्री एंड सो ऑन अप टू लेस देन सी एन लेस देन बी, हियर ऑल्सो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी सेम एज ए टू सी वन प्लस सी वन टू सी टू, सी टू टू सी थ्री and so on cn minus 1 to cn plus cn to c।
आगे रखेंगे तो चलेगा क्या? C सपोज B के आगे रहेगा, नहीं सर। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C. Can I write A to B as A to C plus C to B? Yes. Yes. होगा ना? सपोज ए टू बी आपका 15 एंड बी टू सी इज द लेटेस्ट 12, तो ए टू बी का आंसर क्या मिला? 15 हुआ। ए टू सी कितना होगा? 27 And C to B? 12 No, minus 12. Minus 12. हम B to C करेंगे तो 12 होगा, C to B करेंगे तो आपका reverse हो गया ना, limit reverse हो रहा है इधर, तो -12 same आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आएगा। Okay, तो C जरूर है कि intermediate, but इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि by chance इसके अंदर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो मैं जब लिख दिया कि इधर ए टू बी तक वो कंटिन्यूअस, तो सी तक भी वो कंटिन्यूअस होगा, तो बाहर का पॉइंट मुझे पता नहीं कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसलिए सेफ एंड के लिए लिखा गया। बट इफ इट इज कंटिन्यूअस टिल सी तो आप ये भी कर सकते, कंडीशन ये होना चाहिए। तो मैं जब ए टू बी कंटिन्यूअस लिख दिया तो अंदर कितना भी सी रखूंगा तो कंटिन्यूअस होगा, बट आगे के लिए सी रखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। इफ कंटिन्यूअस देन आल्सो दिस वन करेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस क्यों चाहिए? डिसकंटिन्यूअस होगा तो एरिया फिर चेंज हो जाएगा ना। सेम फंक्शन सपोज ये आ गया, मतलब यहां पे सपोज ये पोर्शन में ये डिफाइंड नहीं हो रहा है फंक्शन, तो एक पॉइंट रिमूव होगा तो चलेगा, एक पॉइंट रिमूव होगा तो चलेगा। सपोज एक इंटरवल में ये बिल्कुल मतलब ये नहीं हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है फंक्शन, फिर आगे के लिए डिफाइंड हो रहा है तो क्या करोगे? ठीक है ना, इसलिए आगे का मुझे पता नहीं कंटिन्यूस होगा कि नहीं, इसलिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप ए टू बी ऑल्सो यू कैन राइट ए टू सी प्लस सी टू बी, सी आपका बियॉन्ड बी हो सकता है, बट टिल सी तक आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने रखा ये सेफ एंड के लिए रखा, बट आप आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूस तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ समझा? नहीं, लेट
ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं टी ले रहा हूं, ठीक है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं टी ले रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो, तो ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस डीएक्स क्या होगा, डीटी इक्वल टू माइनस डीएक्स, ठीक है। अब लिमिट चेंज करो, मैं फंक्शन ऑफ एक्स टू फंक्शन ऑफ टी लाना चाहता हूँ, फंक्शन ऑफ टी फंक्शन ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ टी करना चाहता हूँ, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू ए टी क्या होगा, बी व्हेन एक्स इक्वल टू बी टी क्या होगा, ए। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स जो था इसको फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए माइनस एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी माइनस डीटी, करेक्ट, ए माइनस को बाहर निकाल दो, लिमिट चेंज कर सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी सेम आज ए टू बी एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। समझाइए फॉर एन एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ टू टू सेवन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप क्या लिख सकते हो, सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ टू टू सेवन एफ ऑफ नाइन माइनस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू जो रहेगा इसका वैल्यू वही रहेगा सेम आपको, सपोज एफ ऑफ एक्स की जगह आप कुछ भी रखो कोई भी ये रखो सेम आंसर मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स की जगह सपोज टू एक्स प्लस थ्री रखो इस हिसाब से ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, यू विल गेट सेम आंसर, तो उसका सब नोट करता हूं, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स वही रूल लगाएंगे तो क्या होगा, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स डीएक्स, तो ये जो इससे ये ज्यादा यूज होता है, ये इसका सब पार्ट बट ज्यादा यूज होता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स डीएक्स सेम आज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू कॉस एक्स डीएक्स, ठीक नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह आप क्या चेंज करोगे पाई बाय टू माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस, आप खुद चेक कर सकते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस माइनस कॉस एक्स जीरो टू पाई बाय टू डालेंगे तो क्या होगा जीरो, जीरो डालेंगे तो वन, आंसर क्या मिला वन, एक इसमें चेक करो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या है sin x 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 डालेंगे तो 1, 0 डालेंगे तो 0 आ गया, बोथ आंसर रिमेन सेम,
ठीक है। जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स सेम आज जीरो टू ए बाय टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कुछ समझाइए। हाँ सर, अभी ए माइनस एक्स को टी लेनी है। जीरो टू ए को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो टू ए बाय टू प्लस ए बाय टू ए कर सकते हैं ना। हाँ सर, जीरो टू ए को हम जीरो टू ए बाय टू प्लस ए बाय टू टू ए लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी दिया गया, मुझे ये दोनों को इक्वेट करना है ना, ये दोनों को इक्वेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बाय टू टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को मुझे चेंज करना है जीरो टू ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। Let us take x as a minus t. Let us take x as a minus t. Dx क्या होगा? Minus t. When x is equal to a by 2, t का वैल्यू कितना होगा? a by 2. When x equal to a? Zero. t is equal to zero. अब फंक्शन चेंज कर दो, क्या होगा? a by 2 पर a by 2, a पर 0, f of x dx, you can write f of a minus t minus dt, right? फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ t चेंज कर दिया, this became माइनस को बाहर निकालो, लिमिट को चेंज कर दो, तो you'll get 0 to a by 2 एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी सेम आज जीरो टू ए बाई टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, करेक्ट ना? यहाँ पे सीधा मैंने टी के जगह एक्स डाला, मतलब फंक्शन ऑफ जो हम ए प्रॉपर्टीज डाल, फर्स्ट प्रॉपर्टीज एफ ऑफ एक्स लिखो कि एफ ऑफ वाई लिखो कि एफ ऑफ जेड लिखो, लिमिट में कोई चेंज नहीं किया, लिमिट एज इट इज रखा। ओके, आप टी के जगह वाई लिख सकते हो, ये वाई रखोगे तो ये डी वाई होगा, इसको आप जेड में भी लिख सकते हो, पी में भी लिख सकते हो, इसको आप एक्स में भी लिख सकते हो, सॉरी जीरो ये है। ठीक है ना? तो इसका मतलब a by 2 to a f of x dx same as 0 to a by 2 f of a minus x dx, वही मैंने, तो 0 to a f of x dx you can write 0 to a by 2 f of x dx plus 0 to a by 2 f of a minus x dx। Right? माइनस ए टू प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन।
नहीं इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, समझाइए। ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट, सर, ग्राफिकली इवन फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सपोज ये रहा 0 to a, 0 to -a के लिए ऐसे ही रहेगा, है ना? तो 0 to a का एरिया जितना होगा, -a to 0 का एरिया सेम होगा ना, बिकॉज हाँ ऑफ सिमेट्रिक सर, वैल्यू। इफ इट इज ए, दिस वन ऑल्सो ए, तो -a to +a का एरिया सेम आज 2 times ऑफ 0 to a का एरिया, बराबर है। ऑड फंक्शन होगा तो ग्राफिकली क्या होता है? ऑड फंक्शन ग्राफिकली क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, राइट? तो ये ए होगा तो ये भी ए होगा, बट इंटीग्रेशन के हिसाब से ये प्लस ए होगा, ये माइनस ए होगा, क्योंकि एक पोर्शन ऊपर रहेगा एक पोर्शन नीचे रहेगा एक्स एक्सिस के, तो ये प्लस ए होगा तो ये माइनस ए होगा, तो दोनों का सम कितना हो गया? जी जीरो। इसलिए व्हेन एवर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन आंसर विल गेट जीरो, इवन फंक्शन होगा तो आप डबल करोगे 2 times ऑफ 0 to a। तो कभी भी क्वेश्चन आपका -a to +a रहता है, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर फंक्शन इवन और ऑड। ओके, सपोज मिक्स में है तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, इवन एंड ऑड कर सकते हो। कोई भी फंक्शन यू कैन राइट, एनी फंक्शन यू कैन राइट सम एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, वो भी कर सकते हो, ठीक है? जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज द 2 times ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a - x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ 2a - x इज एफ ऑफ एक्स। नहीं, एफ ऑफ 2a - x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, देन आंसर विल गेट जीरो। जाइए, सर, ये रूल लगाते हैं कौन सा, फिफ्थ, ठीक है ना? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यू कैन राइट 0 to a/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a/2 एफ ऑफ a - x डी एक्स। उधर a की जगह क्या है? 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नाउ यू कैन राइट 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a - x डी एक्स। Am I correct? But if you compare, तो इधर a उधर 2a, तो ये 2a होगा तो ये a हो जाएगा, या as it is ये भी a होगा, a के जगह 2a लिखोगे, f of 2a - x, right? अब बोल रहे कि f of 2a - x is equal to f of x, suppose ये f of x हो गया तो इसका डबल हो गया, तो 2 times of 0 to a f of x dx। सपोज ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट जीरो।
समझाइए। If f of x be a periodic function, of period t, then जीरो टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? एन टाइम्स जीरो टू टी एन टाइम्स जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें करेक्ट? यस। ए टू ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? ए टू ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स समझाइए कि नहीं? सपोज आपका फंक्शन पीरियडिक फंक्शन ऐसे ऐसे में करता हूँ ठीक है, तो ये टी टू टी थ्री टी तो जीरो टू फोर्टी का एरिया सेम आज फोर टाइम्स ऑफ जीरो टू टी का एरिया जीरो टू टी का एरिया जितना होगा टी टू बिकॉज ऑफ पीरियडिक फंक्शन टी टू टू टी का एरिया उतना ही होगा। तो जीरो टू फोर्टी कैन आई राइट फोर टाइम्स ऑफ जीरो टू टी ये सर नो तो वही प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट वन लिखा जीरो टू एन टाइम्स थ्री पर एन बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब इनफैक्ट नेचुरल नंबर ठीक है जीरो टू एन टाइम्स ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स द सेम एज एन टाइम्स ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पीरियडिक फंक्शन के लिए नॉन पीरियडिक के लिए ए टू ए प्लस टी सपोज ये आपका ए ये ए ए टू ए प्लस टी मतलब यहां तक होगा ये हो जाएगा ए प्लस टी तो ए टू ए प्लस टी का एरिया कैन आई राइट सेम आज जीरो टू टी का एरिया क्योंकि ए पोर्शन आगे पीछे हो जाता ना ये पोर्शन मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया ये पोर्शन में डाल दिया तो टी टू टू टी का एरिया हो जाएगा T टू टू टी का एरिया जितना होगा जीरो टू टी का एरिया उतना ही होगा तो ए टू ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम आज जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बस राइट डाउन दिस प्रॉपर्टीज और भी है नेक्स्ट विल डिस्कस If f of x is an even function,
देन 0 टू x f of t dt कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन 0 टू x f of t dt क्या होगा? 0 टू x f of t के जगह आप लिखोगे 2t square minus 4 dt, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 2t cube by 3 minus 4t 0 to x, डालो क्या मिलेगा? 2x cube by 3 minus 4x, कौन सा फंक्शन दिया? ये कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन. तो इफ f of x इज एन इवन फंक्शन देन 0 to x f of x d f of t dt is an odd function or vice versa. ये odd होगा तो ये even होगा, ये even होगा तो odd होगा, but reverse is not true. Integration even होगा, function आपका odd होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि वो constant जो आ जाता है ना वो फरक आ जाता है. ठीक है, जीरो टू एक्स रखेंगे तो चलेगा, मतलब ये इंटीग्रेशन सीधा एफ ऑफ टी ऐसा बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना, कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स रखोगे तो नहीं होगा, इंडेफिनेट में नहीं होगा, समझाइए, ऐसे रखोगे तो ये ऑड फंक्शन नहीं होगा, ये गलत होगा. क्यों? इसमें कांस्टेंट आ जाएगा ना. हाँ सर, कांस्टेंट रखेंगे तो फिर कांस्टेंट, इफ कांस्टेंट प्रेजेंट देन इट इज नॉट एन ऑड फंक्शन, ये मिक्सअप हो गया. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा. राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी.
सर एक मिनट थोड़ा ऊपर। डन सर।
एक मिनट ओपन कर। बेंच
डन सर एक मिनट
डन सिक्स्थ वन सर सिक्स का आता है 3π - 4/18 3π - 4/18 एट्थ वन नहीं हुआ ऐसे एक क्वेश्चन किए थे इंडेफिनेट में ये बेसिकली जितने सारे क्वेश्चन है ना प्रॉपर्टीज बेस्ड नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट ये -π/3 नमन कौन सा वाला सर फिफ्थ वन हाँ सर कैसे हो सकता है ये किसका फॉर्मूला ये टू टैन इनवर्स एक्स टैन इन 0 to √3 के लिए आपका ग्राफ कैसे होता है ऐसा ग्राफ था ना tan inverse x का तो 0 to √3 के लिए तो ऊपर है ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ तो वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं पाया कभी भी वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं होगा रिस्पेक्ट तो किए है ठीक है फर्स्ट नाइन्थ वन बता रहा हूँ नाइन्थ वन कितने को मिला ओके ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज नहीं बन पा रहा है तो फिर देन गो फॉर इंडेफिनेट जैसा जाओगे 0 to π/2 √sin x on √cos x plus √cos x indefinite size जैसा जाओगे तो जरूर मतलब जरूर नहीं कि इसका इंटीग्रेशन आप निकाल पाओगे I'm using the property 0 to a f(x) dx क्या था 0 to a f(a−x) dx मतलब मैं x के जगह π/2 - x करूंगा इफ यू चेंज x एज π/2 - x साइन क्या होगा cos होगा cos साइन होगा यस तो दिस बिकम 0 to π/2 ये हो गया √cos x डिनोमिनेटर और ये cos होगा ये साइन होगा मतलब वही आज इट इज रहा √sin x + √cos x Now take that sum. So 2i क्या मिलेगा? Integration dx 0 to π/2 दोनों का denominator सेम तो numerator you have to add it. तो √sin x + √cos x upon √sin x + cos x तो that become 1. तो dx का इंटीग्रेशन 0 to π/2 डालेंगे तो π/2 मिला दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i i का वैल्यू कितना होगा 5 समझाइए यस ओके तो फिफ्थ टर्म मिसमैच कर रहा है
और कौन सा मिसमैच हो रहा है तो बताओ। जीरो टू रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था इनवर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगो इनवर्स का, आप ऐसे निकाल नहीं पाओगे। क्या मैंने फॉर्मूला दिया था, कंडीशन क्या था, टू टेन इनवर्स एक्स का क्या था, जीरो टू टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कब हुआ था, जीरो टू पाई बाय फोर, जीरो टू पाई बाय फोर, टू टेन इनवर्स एक्स कब टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अंडर व्हाट कंडीशन बोथ विल बी इक्वल। याद रखो माइनस एक्स लेस माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन, ये इस ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा ना एक्स इक्वल टू वन के लिए प्लस माइनस वन के लिए, तो ये डिस्कंटिन्यूस फंक्शन वन जीरो टू रूट थ्री डिस्कंटिन्यूस हो रहा है एक जगह, तो आप जीरो टू रूट थ्री स्ट्रेच कर नहीं पाओगे, जीरो टू रूट थ्री एट ए टाइम नहीं कर पाओगे, जितने बार डिसकंटिन्यूस होगा आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। x इक्वल टू वन के लिए अनडिफाइंड होता है, मोर देन वन के लिए क्या था, व्हेन x मोर देन वन आंसर क्या था, फाइव माइनस, मोर देन वन होगा तो ये मोर देन पाई बाई फोर होगा इंटू टू, मोर देन पाई बाई टू तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, हाउ टू मैनेज, पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस करना है, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको प्रॉब्लम करेगा, जब तक आप ये इसको ठीक से नहीं करोगे तब तक आपका इंडेफिनेट नहीं होगा, फिर सॉरी डेफिनेट वाला नहीं होगा, तो इसको आपको दो पार्ट बनाना पड़ेगा, जीरो टू वन देन वन टू टू, ये कंटिन्यूस होता तो ठीक है जीरो टू रूट थ्री कर सकते, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन, तो जीरो टू वन के लिए आपका फॉर्मूला हो गया टू टेन इनवर्स x, एंड इसके लिए क्या होगा टू टेन इनवर्स x माइनस फाइव, है ना, राइट, अब आप ये चाहो तो दोनों को ऐड कर सकते हो, दिस वन यू कैन राइट जीरो टू वन प्लस वन टू रूट थ्री, सेम फंक्शन का मिला, ठीक है, तो यू कैन राइट जीरो टू रूट थ्री टू टेन इनवर्स एक्स डीएक्स माइनस वन टू रूट थ्री फाइव डीएक्स, करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, बाईपार्ट्स यूज करना पड़ेगा, टू यू कैन टेक आउट इसको, फर्स्ट फंक्शन रखेंगे डीएक्स को डीवी रखेंगे, कितना हुआ यू
tan inverse x into x v minus integration of v tan inverse x ka derivative 1 by 1 plus x into dx. Correct? Yes. x को tan theta डाल अब चाहो तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, चलेगा? मतलब इसके लिए 2, इसके लिए 2, मतलब माइनस y बाहर निकाल दो, x ऑन टू रूट 3, चलेगा? तो रूट 3 डालोगे तो कितना होगा? ये पाई बाय 3 होगा? पाई बाय 3 तो 2 pi by 3 into root 3 minus 2 pi by 3 into root 3 0 डाल देंगे तो 0 minus ये क्या हो गया if you consider 1 plus x square as t तो ये 2x dx होगा dt तो dt by t ln of 1 plus x square limit 0 to root 3 minus ये होगा पाई रूट थ्री नहीं पाई रूट थ्री माइनस वन विच इज टू पाई बाय रूट थ्री माइनस पाई रूट थ्री प्लस पाई करेक्ट ना इसमें रूट थ्री डालोगे तो कितना हुआ एलएन टू एलएन फोर minus 2 ln 4 ये 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा ln 1 that is 0 इसमें आप root 3 common रखेंगे तो कितना होगा 2 minus 3 minus 1 plus root 3 root 3 minus 1 into pi by root 3 minus ln 4 ये होगा आपका आंसर समझाइए यस लगता है सर ln 2 2 pi by root 3 नहीं सो वही है बस वो पाई वाला टर्म नहीं है जो सो वही है लेकिन जो एंड का जो पाई की गलती की थी हमने वो नहीं है बस बाकी सेम ही अच्छा मतलब ln 4 को 2 हां ये टर्म आपका नहीं है है ना हां वो टर्म नहीं सीधा 0 टू रूट 3 निकाले हां सर हां सर डेफिनेटली में बहुत मैटर करता है पर्टिकुलर इनवर्स आने के टाइम पर आपको देखना पड़ेगा इसमें और कुछ डाउट है ये बराबर के सेकंड वन आई थिंक करेक्ट होगा ये हाँ सर यही आता है हाँ सर ये क्या दिया है 0 to 5 by 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस sin x कितना होता है मॉड ऑफ cos x by 2 माइनस मॉड ऑफ cos x by 2 माइनस इसका मॉड है ना cos x by 2 माइनस sin x by 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे है 5 by 4 तो 0 टू पाई बाय 4 करना पड़ेगा क्योंकि पाई बाय 4 पर वो चेंज होगा फिर पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 करोगे ठीक है 0 टू पाई बाय 4 व्हिच वन ग्रेटर कॉस और साइन कॉस कॉस अच्छा x बाय 2 तो एक मिनट नहीं आपका हो गया ना ये पाई बाय 2 ही होगा ना फिर तो अच्छा अच्छा
क्योंकि x by 2 आ गया 0 to pi by 4, तो ये पॉजिटिव हो गया, सीधा सीधा ही ओपन है। हाँ तो ये इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होता है, करेक्ट है, तो थोड़ा इजी हो गया, क्वेश्चन को 0 टू पाई करना था। सपोज 0 टू पाई होता तो क्या करोगे, तो एक और दो इंटरवल है, ऐसे आप स्ट्रेच में कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। सपोज क्वेश्चन 5 होता ये रहेगा, तो आपको 0 टू पाई बाय 2 नहीं सर, पाई बाय 4 ही रहेगा ना, पाई बाय 2 तो फिर से पाई नहीं, x बाय 2 है ना, पाई बाय 2 टू पाई, आपका x बाय 2 है, नहीं तो आप 2x कर दो इसको, क्वेश्चन को 2x कर दो तो फिर पता चल जाएगा, वही क्वेश्चन में पाई बाय 2 रखो बट 2x कर दो, 2x करेंगे तो क्या होगा, ये x होगा cos x minus sin x, ठीक है ना। तो इसको आप दो पार्ट करना पड़ेगा, दो बार इसको 0 टू पाई बाय 4 करना पड़ेगा प्लस पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 टू पाई बाय 4 cos x मोर देन sin x, तो ये होगा cos x माइनस sin x। पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 के लिए cos x लेस देन sin x होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, that case you will get sin x minus cos, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x plus cos x plus cos x 0 to pi by 4, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ, हाँ सब बाकी कर लेंगे, हाँ तो ठीक है, मतलब cos x plus sin x pi by 4 to तो minus sin x, ओके pi by 4 डालेंगे तो root 2 minus 1, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2, मतलब root 2 minus 1 minus of pi by 2 डालेंगे तो 1 minus root 2 आएगा, तो मतलब इसका डबल हो जाएगा 2 times of root 2, सेम आंसर मिला क्योंकि मैंने x में दिया था, तो आपको ये 2x हो गया, तो 2x होगा तो लिमिट मतलब चेंज हो गया ना, x में 0 टू पाई बाय, आंसर तो सेम होगा, ये बट मैं इसको 2x लेके किया तो आपका भी उधर आंसर राइट मतलब करेक्ट होगा। और कौन सा है बाकी, इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है क्या, सेवेंथ वाला, सेवेंथ लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, तो fx plus f dash x, हाँ e to the power x है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा f plus f dash, एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आई थिंक ये थे, इसको कर देता हूं x प्लस 1 माइनस 1 इनटू ई टू द पावर x अपॉन राइट, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टू दी पर एक्स कॉमन, इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसको प्लस करके माइनस कर देता हूं, ठीक है, इफ यू कंसीडर दिस वन एज एफ ऑफ एक्स, ये आपका होगा एफ डैश एक्स,
तो क्या मिलेगा e to the power x f of x plus f dash x e raised to x f of x 0 to 1 1 डालोगे तो e by 2 0 डालोगे तो 1 8th one. 0 to 5 by 4. Sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x. ऐसे क्वेश्चन भी किए थे लास्ट टाइम. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है ना. तो आप डिनोमिनेटर वही फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाने के लिए इसको कर देता हूं डिनोमिनेटर को 25 माइनस 16 इनटू 1 माइनस साइन एक्स साइन टू एक्स करेक्ट. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx sorry dx okay mere ye ho gaya 25 minus 16 jo 1 minus sin 2x kya hoga sin x that you can write sin x minus cos x ka whole square if you consider t as sin x minus cos x to ye kya hoga dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर करेक्ट ना. अब लिमिट चेंज कर देता हूं. व्हेन x इक्वल टू 0 टी क्या होगा माइनस माइनस 1 माइनस 1. व्हेन x इक्वल टू 5 बाय 4 जी टी क्या होगा 0 करेक्ट ना. यस तो ये होगा माइनस 1 टू 0 ये आ गया. अब 16 चाहो तो कॉमन ले लो. तो 1 बाय 16 dt अपॉन 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 टू 0 dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर one by two a ln x plus a upon x minus one by two a ln x plus a upon x minus a which is the 1/16 1/2a 2a में कितना होगा 5/2 ln x plus a t plus 5 by 4 upon t minus 5 by 4 तो इसका लिमिट माइनस 1 टू 0 बराबर 1 by 40 ln 0 डालेंगे तो कितना होगा 1 मॉडुलस है ना 1 सॉरी ln 1 माइनस माइनस वन डालोगे तो 1/4 माइनस 9/4 1/9 करेक्ट ना. राइट
ये तो जीरो हो गया, माइनस एल एन वन बाई नाइन, यू कैन राइट प्लस एल एन नाइन, एल एन नाइन अपॉन और टू एल एन थ्री लिख सकते हो, एल एन थ्री अपॉन ट्वेंटी। देखो ये जो जीरो टू पाई बाई फोर, इसमें ये पॉजिटिव ना, ग्रेटर देन जीरो, ये ग्राफ क्या होगा, लाइज अबव द एक्स एक्सिस, तो आंसर देखो पॉजिटिव आंसर मिला। समझा? और कुछ है इसमें? ये आई थिंक तो ये करेक्ट होगा, ये इसमें किसी का डिफरेंट आ रहा है क्या? नहीं सर वही आ रहा है। नहीं सर वही आ रहा है। Then, और सो असाइनमेंट कब करोगे? लास्ट टाइम तो दो दिया था, फिर आज एक दो, हो गया है। हो गया मतलब वो जो अलग था एक 100 क्वेश्चन था वो थोड़ा बाकी है। ठीक है, आज डेफिनेट का एक दे दूंगा। चलो थैंक यू बाय। सर सिक्स्थ का आंसर सही है क्या, आपने वेरीफाई नहीं किया? सिक्स्थ का देखना पड़ेगा, बाय पार्ट्स तो लगेगा, लिमिट का कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो बाय पार्ट्स करेंगे तो ये यू आईलेट के हिसाब से, ठीक है ना, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होता है। तो क्या मिला? x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³/3, इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(1 - x²). ठीक है, इसमें लिमिट डाल दो 0 to 1 डालेंगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 तो पाई बाय 6, 0 डाल देंगे तो 0, करेक्ट ना, माइनस ये 1/3 रखता हूँ, एक्स क्यूब को मैं x² - x करता हूँ, सॉरी x² * x कर रहा हूँ, -1 + 1 होगा नहीं सर? हो सकता, दिस इज पाई बाय 6, अब इसको प्लस कर दो ताकि ये 1 - x² होगा, तो 1 - x², ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², तो अंडर रूट 1 - x² dx, राइट, एंड देन सॉरी इनटू x, हां then minus 1/3 integration of x dx upon, ठीक है, which is pi by 6, आप इसको t square मानोगे तो dt आ जाएगा ना, if you take 1 - x² as t square ले लेता हूँ, तो -2x dx = 2t dt, टू टू गेट कैंसिल, x dx यू कैन राइट -dt, सो -t dt, तो ये हो जाएगा नहीं, t
ये टी और ये और एक टी टी डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी करेक्ट ना। हाँ अब लिमिट चेंज कर दो, एक्स जीरो होगा तो टी वन होगा, वन होगा तो जीरो होगा, करेक्ट। तो ये इसका फायदा होता है मतलब डेफिनेट में, अब फंक्शन टू फंक्शन चेंज कर दो, मतलब डिफरेंट फंक्शन चेंज कर दो पूरा लिमिट के साथ, और इसमें भी वही होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे ये हो जाएगा मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर, इफ यू टेक पी स्क्वायर देन वही चीज ना, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू पी डी पी, तो ये वन बाय थ्री, ये मिला क्या टू टू कैंसिल, प्लस कर देता हूँ पी डी पी अपॉन पी राइट, लिमिट क्या होगा सही में आएगा ना टी जैसे, हाँ टी जैसा होगा वो वन टू जीरो होगा, फाइव बाय सिक्स ये टी क्यू बाय थ्री प्लस कर देंगे तो वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री करेक्ट ना, प्लस ये पी पी तो कैंसिल हो गया वन आ जाएगा माइनस वन बाय थ्री होगा, तो कितना मिला टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री आ गया, नहीं सॉरी वन बाय नाइन माइनस वन बाय थ्री, तो माइनस टू बाय नाइन, बस इतना ही। एलसीएम कितना 18, हाँ सर बराबर सर 18 ना, अच्छा सॉरी 18 3 पाई माइनस 18 होगा तो 3 पाई माइनस 4 करेक्ट ना, ये आया था यस। सर वो एक्स क्यूब को एक्स को साइन थीटा लेके फिर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला डाल कर सकते हैं, कर सकते हैं एक्स क्यूब भी साइन थीटा लेके कर सकते हैं। चलो थैंक यू बाय, थैंक यू सर, थैंक यू बाय बाय।